आरओ एआरओ को इससे कंपेयर ना करें। आरओ एआरओ की वैकेंसी अलग थी, उसका नोटिफिकेशन और उसका रूल इस वैकेंसी में क्यों बता रहे हैं आप, इसमें क्यों अप्लाई करा रहे हैं? इसका तो साफ साफ नोटिफिकेशन में क्लियर ही कर दिया था इसमें क्या मांग रखा था। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ आपके सामने, मैंने खुद जब टाइपिंग दिया था तो मेरा एक से डेढ़ लाइन छूट गई थी मेरी हिंदी में, इंग्लिश तो कर गया था मैं, हिंदी में मेरी छूट गया था, एक या दो लाइन छूट गया था। तब भी सिलेक्टेड हूँ मैं, अब देख लीजिए आपके सामने 3 साल हो गए नौकरी कर रहा हूँ। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता और मैं हूँ जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग हो चुकी है और टाइपिंग होने के बाद से मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब वीडियो से कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे लगातार आप लोगों को क्वेरीज आ रहे हैं कि सर एक दो लाइन छूट गया है मेरा तो क्या फेल हो जाएंगे या सिलेक्शन से बाहर हैं। कुछ लोग कमेंट्स आ रहे हैं सर टाइपिंग का जो स्पीड है 25 और 30 वो नहीं हो पाया तो क्या फेल हो जाएंगे। और कमेंट किसी का आ रहा है कि सर सबमिट नहीं कर पाया था, ऑटो सबमिट हो गया था तो इसमें क्या नंबर कटेंगे। इस समय सबसे बड़ी दुविधा लोगों की ये है कि अगर स्पीड जो मांगी गई थी 25 और 30 की अगर वो नहीं हो पाया है तो क्या बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन से, या मिस्टेक्स ज़्यादा हो गए हैं तो क्या फेल हो जाएंगे। तो इन सब के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में और सेम वही रूल अभी भी है तो वही बातें फिर से बताने जा रहा हूँ कि अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट है उसमें मिनिमम 10-10 नंबर लाना कंपलसरी है। और वो कैसे होगा, अगर आपकी स्पीड कम हो गई या एक दो लाइन छूट गया तो नंबर ही तो कम होंगे आप, यही तो होगा, 10 के नीचे गए तो फिर फेल हो जाएगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ आपके सामने, मैंने खुद जब टाइपिंग दिया था तो मेरा एक से डेढ़ लाइन छूट गई थी मेरी हिंदी में, इंग्लिश तो कर गया था मैं, हिंदी में मेरी छूट गया था, एक या दो लाइन छूट गया था। तब भी सिलेक्टेड हूँ मैं, आज देख लीजिए आपके सामने 3 साल हो गया नौकरी कर रहा हूँ मैं। मिस्टेक्स का भी इसमें अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में पढ़े होगे तो उसमें साफ साफ लिखा था मिस्टेक का कि अगर हिंदी का कोई एक वर्ड गलत होता है तो 0.1 मार्क्स कटेंगे, इंग्लिश का कोई एक वर्ड गलत होता है तो 0.0833 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो देख लो आप अगर हिंदी में आप 10 वर्ड गलत कर जाते हो, मतलब 10 वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भी है कर जाते हो तो आपके एक नंबर कटेंगे। ठीक है, तो इतनी आसानी से फेल नहीं होने वाले अगर आप पूरा टाइप मटेरियल जो था पूरा टाइप कर लिए थे 10 मिनट के अंदर। दूसरी बात सर, ऑटो सबमिट हो गया था, मतलब सबमिट मैं खुद नहीं कर पाया था, ऑटो सबमिट हो गया था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो सबमिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, टाइप तो आपने कर लिया था ना। अब स्पीड की बात आ रही है कि सर 25 और 30 वर्ड जो मांगा गया था वो नहीं कर पाया है, ठीक है, तो फेल हो जाएंगे क्या? तो कई लोग बता रहे हैं कि हाँ फेल हो जाएंगे, मैंने देखा अभी यूट्यूब पे, तो मैं उनको क्लियर कर दूं आप सभी को कि आर ओ ए आर ओ को इससे कंपेयर ना करें। आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी अलग थी, उसका नोटिफिकेशन और उसका रूल इस वैकेंसी में क्यों बता रहे हैं आप, इसमें क्यों अप्लाई करा रहे हैं? इसका तो साफ साफ नोटिफिकेशन में क्लियर ही कर दिया था इसमें क्या मांग रखा था। आर ओ ए आर ओ के नोटिफिकेशन में जब आप पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर आप 25 और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग नहीं कर पाते हो हिंदी और इंग्लिश में तो आप फेल हो, लेकिन वो था आर ओ ए आर ओ के लिए। एएससी ग्रुप सी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, एएससी ग्रुप सी में साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन जैसा आप देख सकते हो कि मिनिमम 10-10 नंबर लाना दोनों सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आ ही जाना है अगर आप टाइपिंग पूरी कर लिए हो, अगर तो एक आध लाइन छूट भी जाता है तब भी जो आपके 10 से ऊपर आना ही है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए नंबर आपके मैक्सिमम होने चाहिए क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो भाई टाइपिंग में आपके 50 नंबर की टाइपिंग है तो उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे तभी तो फाइनल लिस्ट में आओगे, तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए तो नंबर ज्यादा ही लाना जरूरी है। बाकी टाइपिंग में पास होने के लिए आपके अगर मिनिमम 10 नंबर भी आ गए एक सेक्शन में तो आप पास हो। ठीक है, अब मिस्टेक्स कैसे इसमें गिने जाएंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिख रखा है कि यदि कोई वर्ड छूट जाएगा टाइप करते वक्त, अगर कोई वर्ड आपने स्किप कर दिया तो वो पूरा एक मिस्टेक माना जाएगा यानी 0.1 मार्क्स कटेंगे। किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी आपने वो भी एक मिस्टेक माना जाएगा। जो गिवन वर्ड्स हैं उनकी जगह पे कोई और वर्ड आपने टाइप कर दिया तो भी वहां पे मिस्टेक ही माना जाएगा, फुल मिस्टेक। अगर आपने एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया यानी पूरा वर्ड टाइप हो गया आपका, 300 वर्ड जिंदा दिया था, एक्स्ट्रा कोई वर्ड टाइप कर दिया तो उसको इग्नोर किया जाएगा, उससे उसको मिस्टेक में नहीं गिना जाएगा। ऐसा सारा कुछ आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड को आप ध्यान से पढ़िए। और अब जो है जैसा भी हो गया है, ठीक है, अब उसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, अब बस रिजल्ट का वेट कीजिए,
मतलब कहने का मतलब है कर्म आपने कर दिया, अब फल की चिंता छोड़ दीजिए, फल तो मिलना ही है जो भी होना है। अब आप दूसरे एग्जाम पे जो भी आपके एग्जाम है उन पे फोकस कीजिए, इस चक्कर में अब और टाइम व्यर्थ करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पूरी एनर्जी लगती है, पूरा टाइम कैसे घंटों निकल जाते हैं इन्हीं सब चक्करों में पता भी नहीं चलता है। तो एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट होता है जब आप एस्पिरेंट होते हो, तो अब टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, अब सीधा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब और कुछ तो बाकी है नहीं इसमें, टाइपिंग होगी, अब फाइनल रिजल्ट आना है, एक लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम रहेगा तो आप सिलेक्टेड हो, नहीं नाम रहेगा नहीं सिलेक्टेड हो, उसमें कुछ कर नहीं सकते है ना, तो उसकी बात भी अब नहीं करना है टाइपिंग वाइपिंग का, क्या गया कैसा गया, अब दूसरे एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है, ये सारी बातों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। कई बार मैं वीडियोज नहीं बना पाता हूँ और अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता दे देता हूँ, तो अभी तक अगर आप लोग नहीं जुड़ पाए हो उस टेलीग्राम चैनल से तो लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वीडियो बनाना एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ऐसे में मैसेज डाल दिया करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। चलिए इतना काफ़ी मुझे लगता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।